आज न छोड़ेंगे बस हम झोली, खेलेंगे हम होली, खेलेंगे हम होली। चाहे भीगे चाहे भीगे तेरी चुनरिया, चाहे भीगे रे चोली, खेलेंगे हम होली। होली हो आज न छोड़ेंगे बस हम झोली। बोरिवली पश्चिम में बीजेपी विधायिका मनीषा ताई चौधरी और नगर सेवक जितेंद्र पटेल और नगर सेविका अंजलि ताई के द्वारा सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर फूलों की होली मनाई गई। एक और संदेश भी दिया गया कि होली अमन शांति का एक त्यौहार है, जिसे बिना केमिकल वाले रंगों से या फूलों से ही होली मनाएं। इस इको फ्रेंडली होली का आयोजन हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्थानीय नगर सेवक जितेंद्र पटेल द्वारा किया गया था। इस मौके पर बोरिवली पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक गुणाजी सावंत भी मौजूद थे। समय नेशनल मुंबई। आज न छोड़ेंगे बस हम झोली, खेलेंगे हम होली, खेलेंगे हम होली। चाहे भीगे चाहे भीगे तेरी चुनरिया, चाहे भीगे रे चोली, खेलेंगे हम होली। होली हो। आज न छोड़ेंगे बस हम झोली, खेलेंगे हम होली, खेलेंगे हम होली। चाहे भीगे चाहे भीगे तेरी चुनरिया, चाहे भीगे रे चोली, खेलेंगे हम होली। होली हो। आज न छोड़ेंगे बस हम झोली, खेलेंगे हम होली, खेलेंगे हम होली। चाहे भीगे चाहे भीगे तेरी चुनरिया, चाहे भीगे रे चोली, खेलेंगे हम होली। होली हो। आज न छोड़ेंगे बस हम झोली, खेलेंगे हम होली, खेलेंगे हम होली। चाहे भीगे चाहे भीगे तेरी चुनरिया, चाहे भीगे रे चोली। काही काही शुभेच्छा द्याल तुम्ही। आज एक इको फ्रेंडली पद्धतीमध्ये होली आपण या ठिकाणी केलंय, स्वतः आमदार ताई या ठिकाणी उपस्थित आहेत, काय म्हणतो? प्रथम मी समय नॅशनलला धन्यवाद देते की त्यांनी आम्हाला येऊन सगळ्या जनतेसमोर आम्हाला शुभकामना होळीच्या देण्यासाठी संधी दिली। तशात आमच्या आमदार जेव्हा जेव्हा आम्हाला बोलवतात तेव्हा आम्ही त्यांच्या प्रत्येक कार्यक्रमाला येतो, आणि भारतीय जनता पार्टीचा प्रत्येक सण हा इको फ्रेंडलीच असतो। आम्ही प्रत्येक सणात इको फ्रेंडलीच वस्तू वापरतो। आमचं मोदींचं हे आहे तत्व आहे की आपण और बाकीचं रासायनिक कुठचंही वापरायचं नाही, तसं आमच्या आमदार खासदारांच्या पण तशाच इच्छा असतात, आणि त्याचप्रमाणे आम्ही नगरसेवकसुद्धा त्यांच्याच पावल ठेवून चालणार आहोत, आणि आम्हीसुद्धा हेच करणार। पहले तो मैं सभी नागरिकों को, देशवासियों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ, और समय नेशनल का मैं धन्यवाद अदा करती हूँ कि आपके तरफ से मैं पूरे देशवासियों को होली की शुभकामना दे रही हूँ। ये होली हर साल दहिसर विधानसभा में हमारी होती है, और सब कार्यकर्ताओं को साथ में ले के खाना पान और फूल की होली यहाँ खेलते हैं। पर्यावरण का संतुलन रखना ये भारतवासियों का सभी का कर्तव्य है, और हम लोग जब भी लोगों को संदेश देते हैं कि पौधे बचाओ और पानी बचाओ, तो हम लोग होली में ना कलर वापरते हैं, जो कलर हमारे कार्यकर्ता यूज करते हैं वो सब ऑर्गेनिक कलर रहते हैं, इको फ्रेंडली कलर रहते हैं। और मैं खुद सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामना देते हुए मैं फूल की पंक्तियों से शुभकामनाएं देती हूँ। जीतू भाई,
चाहते तो होली का रंग और भी कई तरीके से मना सकते थे आप, लेकिन इस क्षेत्र के सभी नगर सेवक, तमाम प्रतिनिधि, खुद विधायिका सभी यहाँ मौजूद है इस इको फ्रेंडली होली में, क्या कहना चाहिए? पहले तो मैं समय नेशनल का धन्यवाद करूँगा और हमारे मार्गदर्शक और हमारे आमदार जिनके नेतृत्व में आज हम यहाँ पे होली का उत्सव मना रहे हैं। पूरे देशर विधानसभा में इस प्रकार की हम होली मना रहे हैं। जैसे फूलों की होली, न केमिकल वापरते हुए, न कोई कलर वापरते हुए, हम मनीषा ताई के नेतृत्व में ये होली का उत्सव फूल की पंखुड़ियों से मना रहे हैं। जीतू भाई, कहीं ना कहीं आप नगर सेवक नहीं हुआ करते थे तब से कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जब से ताई विधायक का अर्जुन कराई, क्या कहना चाहिए? मैं ताई के नेतृत्व में, ताई जो भी मेरे को काम देती है मैं करने के लिए तैयार हूँ। जब भी नगर सेवक नहीं था फिर भी ये करता था, अभी नगर सेवक होने का बाद भी ये मेरा कार्यक्रम चालू रहेगा। हैप्पी होली।